आज मैं आपके सामने बच्चों में होने वाले कॉमन कैंसर, जिसको कि सॉलिड ट्यूमर्स बोलते हैं, उसके बारे में बातें करने आया हूँ। जैसे हम देखते हैं कि ब्लड कैंसर बच्चों में सबसे कॉमन है, बट उसके अलावा बच्चों में जो अलग तरह कैंसर होता है सॉलिड ऑर्गेन्स में, लाइक मसल में, बोन में, लिवर में, या फिर किडनीज में या ब्रेन में, ये भी कॉमनली पाए जाते हैं। अच्छा, इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? यदि आप अपने बच्चे में कोई नया मांस देख रहे हैं जो कि पहले कभी नहीं था, या फिर पुराना कोई मांस था बच्चे में जो अचानक से बढ़ना शुरू हो गया है, या आपके बच्चे को नहलाते हुए अचानक से आपको लगता है कि उसके पेट में या कहीं कोई मांस नज़र आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि ये पहले नहीं था अभी वापस आया है, ऐसे केसेस में आपको बच्चे को तुरंत एक डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। दूसरा है, यदि इसके साथ साथ बच्चा अपना वजन लूज़ कर रहा है, उसके खाने की रुचि कम हो गई है, साथ में अनीमिया हो रहा है, बच्चा बहुत पेल दिख रहा है, ऐसे केसेस भी, या फिर वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है, तो ये सारे एक लक्षण हो सकते हैं कैंसर के, जो कि आपको ऊपर से दिख ना रहा हो। ऐसे केसेस में आप बच्चे को एक स्पेशलिस्ट पर लेकर जाइए और जिसका जिसका निदान कर सकते हैं। निदान के लिए जो सबसे कॉमन चीज़ें होती है ब्लड टेस्ट के अलावा, इसका MRI, CT या अल्ट्रासाउंडोग्राफी होता है, जिससे कि इस मास के बारे में पता कर सकते हैं, और हमें कुछ शक होता है तो इसका बायोप्सी करके इसका पता किया जा सकता है कि ये किस तरह की बीमारी है, मैग्नेंट है या नहीं है। और इस बीमारी के इलाज के बारे में बताएं आपको, तो सॉलिड ट्यूमर का इलाज जो होता है, इसमें मेन थेरेपी जो होती है वो होती है सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी, लेकिन साथ में कीमो की जरूरत भी पड़ती है। कीमो क्या करता है कि इस तरह की बड़ी बड़ी गांठों को छोटा करता है, जिसमें सर्जरी करना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है, और रेडिएशन थेरेपी जरूरत पड़ती है। यदि सर्जरी सफल ना हो पाए या सर्जरी में कुछ चीज रह जाती है, तो हम रेडिएशन से इसको पूरा कर सकते हैं। ऐसी बीमारी का इलाज बिल्कुल पॉसिबल है, और इस तरह के बच्चे जनरली केसेस में, और 70-80% बच्चे बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, और इनका इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा हो, तो उसको जल्द से जल्द किसी स्पेशलिस्ट को दिखलाएं, सो दैट उसका इलाज पॉसिबल हो।